स्टूडेंट्स इन टूडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फंक्शन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कैलकुलस का पार्ट माना जाता है कैलकुलस में आप बहुत बड़े टॉपिक के रूप में इसको पढ़ोगे हालांकि मैं फंक्शन को आपको बहुत पहले ही पढ़ा दे रहा हूं रीजन ये है कि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट एलजेब्रा तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होगा इन क्वेश्चन अपियर होगा इन थ्योरी तो फंक्शन को जान लेना फंक्शन का डिफिनेशन क्या है फंक्शन का डोमेन क्या होता है फंक्शन का रेंज क्या होता है ये सभी जान लेना जरूरी है तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग फंक्शन ही स्टडी करेंगे कि फंक्शन का मतलब क्या है फंक्शन का डोमेन का मतलब क्या है और फंक्शन का रेंज का मतलब क्या है बेसिकली कोई भी रिलेशन एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन की बात करेंगे मैथमेटिक्स में ही पढ़ रहे हैं हम लोग फंक्शन तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जिसको कि हम लोग इनपुट भी कहते हैं कभी कभी इनपुट को हम लोग एक आउटपुट से जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है उससे रिलेट करते हैं इन सच ए वे दैट फॉर ईच इनपुट सो फॉर ईच इनपुट हर इनपुट के लिए मतलब हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम लोग को एक यूनिक वैल्यू ऑफ आउटपुट मिले यूनिक वैल्यू ऑफ आउटपुट मिले ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही इनपुट से आपको एक से ज्यादा तरह का आउटपुट मिल रहा है तो ये बात ध्यान रखना है कि जो हम लोग फंक्शन का डिफिनीशन लेते हैं उसमें यही है कि ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरियेबल सच दैट फॉर ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज कॉल्ड आउटपुट ऑल्सो इसी रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन का डिफिनिशन ले लेते हैं तो फंक्शन इज डिफाइंड एज फंक्शन इज डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल ए डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल इज नथिंग बट इनपुट नॉर्मली हम लोग इसको एक्स रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली हम लोग इसको एक्स रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉट फंक्शन इज़ फंक्शन इज डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कि हम लोग आउटपुट भी कहते हैं फंक्शन को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर है और यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको कि हम लोग आउटपुट भी कहेंगे सच दैट सच दैट फॉर ईच इनपुट कहने मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वी हैव यूनिक आउटपुट यूनिक आउटपुट फॉर ईच इनपुट वी हैव यूनिक आउटपुट तो यह बात आपको जानना जरूरी है कि फॉर ईच इनपुट वी शुड हैव यूनिक आउटपुट यह बहुत जरूरी है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अब इसका रिलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम लोग इनपुट कहेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम लोग आउटपुट कहेंगे इस तरह से रिलेशन होना चाहिए कि फॉर ईच इनपुट वी शुड हैव यूनिक आउटपुट फॉर एग्जांपल में अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो वी हैव y इज इक्वल टू मान लो लेते हो आप 2x एक्स प्लस फाइव ये एक रिलेशन लेते हो यहां पर y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब आउटपुट है नॉर्मली हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को और x रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को से रिप्रेजेंट किया जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो ये एक नॉर्मल टाइप ऑफ मैंने एक रिलेशन दे दिया है जिससे कि आप देख सकते हो फॉर ईच एक्स वी शुड हैव यूनिक वैल्यू ऑफ वाई जो कि यहां पर है और इसलिए वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव का जो वैल्यू है वो फंक्शन में गिना जाएगा वो फंक्शन होगा <coughs> अगर आप इसी तरह से दूसरा रिलेशन लिखते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ये भी एक फंक्शन है यहां भी आप हर वैल्यू ऑफ x के लिए गौर कीजिएगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वी हैव यूनिक वैल्यू ऑफ y। ये संभव है कि जो वैल्यूज हो वो बराबर हो स लेकिन यूनिक होना चाहिए हर के लिए एक का की वैल्यू आना चाहिए हर x के लिए एक ही वैल्यू आना चाहिए ऐसा नहीं हो कि x का एक वैल्यू आपने रखा और y का दो दो मान आ रहा है ये नहीं होगा फंक्शन के रूप में डिफाइन थर्ड हम लोग वाईज इक्वल टू लिख सकते हैं साइनिक्स साइन आपने साइन थीटा वगैरह पढ़ा होगा टिक्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे ये सब एलजेबरिक फंक्शन हुआ ये टिक्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ जो कि हम लोग टिक्नोमेट्री में स्टडी करेंगे बात करते हैं अगर हम y इज इक्वल टू कुछ और रिलेशन वाईज इक्वल टू हम लिखते हैं वल टू वन बाई टू एक्स प्लस थ्री ये एक रिलेशन हमें आपको दे रहे हैं ये भी एक रिलेशन है जो कि फंक्शन कहलाएगा नॉर्मली इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स देन एफ एक्स को आप लिखोगे मान लो यहां पे इस रिलेशन की बात करते हैं टू एक्स प्लस थ्री तो पॉइंट ये है कि एफ एक्स वाई चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आ रहा होगा तो इस रिलेशन के हम हम लोग क्या करेंगे अगर हम y को FX लिखते हैं नोटेशन है फंक्शन ऑफ एक्स इट इज एज स्टडी फंक्शन ऑफ एक्स हम हर एक्स वैल्यू हर एक्स इनपुट के लिए वाई का वैल्यू आएगा तो फंक्शन एक तरह से आप कह सकते हो एक मशीन है जिसमें कि हर एक्स के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ वाई यूनिक वैल्यू ऑफ अलग अलग कहना अच्छा नहीं है वैल्यू ऑफ वाई ऑप्टेन हो तो आपको फंक्शन का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा फंक्शन एक रिलेशन है कि हर इनपुट के लिए हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आउटपुट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यूनिक होना चाहिए दिस इज दिस इज द डिफिनिशन ऑफ फंक्शन जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए बात करते हैं हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन का जो कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कब कैसे फंक्शन डिफाइन होगा ये हमने पढ़ा अब हम लोग डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं तो बेसिकली डोमेन की बात अगर हम लोग करें डोमेन की बात अगर हम लोग करें तो किसी भी फंक्शन का डोमेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब एक्स का वो सारा मान होता है जिसके लिए जो y है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रियल हो डोमेन आर दोज वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज रियल जो हमने x लिया है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है जो y लिया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है तो डोमेन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे फॉर ईच वैल्यू ऑफ फॉर दोज वैल्यूज ऑफ इस तरह से हम लोग लिखते हैं दोज वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कि हम लोग एक्स कहते हैं फॉर विच फॉर विच डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि हम लोग y की बात करें हैज रियल वैल्यू आर कॉल्ड आर कॉल्ड डोमेन इसी को हम लोग डोमेन कहेंगे फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं पहला मान लिया आपने वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव लिया तो आपको देखना है कि क्या क्या एक्स हम रखेंगे तो वाई रियल आएगा मतलब आप ऐसे चेक कर भी सकते हो कि क्या क्या एक्स का वैल्यू होगा इसके लिए वाई रियल नहीं होगा मतलब इमेजनरी हो जाएगा तो गौर कीजिए कि y इमेजनरी तब तक नहीं होगा जब तक हम x को इमेजनरी नहीं करेंगे यहां पे आपको मेजनरी का मतलब पता होगा अंडरउट माइनस वन वाला टर्म कंटेन करने वाला नंबर तो याद रखिए यहां से साफ दिख रहा है कि हम y को रियल रखना है तो हमको x को भी रियल रखना होगा तो यहां पे डोमेन साफ है कि डोमेन यहां पर सभी वैल्यू हो जाएगा x का x बिलोंग्स टू r ये इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग टू इसको ये जो नोटेशन है This is called belong to, and, uh, जो आपके पास आर है वो रियल नंबर का सेट है मतलब माइनस इंफिनिटी से आप एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मतलब यही हुआ इसका मतलब यही हुआ कि माइनस इंफिनिटी से बड़ा है एक्स और प्लस इन्फिनिटी से छोटा है इस नोटेशन को समझिए इन सभी नोटेशन को आपको जानना चाहिए दिस इज टर्म्ड एज एक्स बिलोंग टू आर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर यहां पर मतलब सारा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल आर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा ओपन ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट है है ये है ये और इसलिए आ, मतलब इक्वलिटी साइन नहीं होगा ओपन ब्रैकेट होना ही है इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं हो सकता है क्योंकि इन्फिनिटी टर्म को कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता है तो द पॉइंट इज आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो क्या डिसाइड कर सकते हैं हम लोग कि अगर आपके पास जो नोटेशन है जो ये सब नोटेशन है क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का वो सब आसानी से आप डिसाइड कर सकते हो हम लोग यहां पे नोट में करके इन चीजों को लिख भी लेते हैं जैसे कि सबसे पहली बात है दिस इज कॉल्ड क्लोज ब्रैकेट जब आप ऐसे लिखते हो ए और बी इसका मतलब होता है अगर आप लिखते हो एक्स बिलोंग टू ए और बी इसका मतलब होता है ए से बड़ा है बराबर भी है एक्स और बी से बड़ा छोटा है, है बराबर भी है एक्स मतलब एक्स जो है ए और बी के बीच में है और ए और बी को ले करके अगर आप लिखते कैपिटल b इसका मतलब आ, यहां देखिएगा ये ओपन ब्रैकेट है दिस इज ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये बराबर नहीं है लेकिन इधर चूंकि क्लोज ब्रैकेट हो तो ये इधर बराबर होगा मतलब इसको आप कह सकते हो इस इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इस तरह से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि एक्स जो है वो ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा और बराबर भी हो सकता है अगर आप एक्स बिलोंग टू लिखते हो ए और बी इसका मतलब है कि ए से बड़ा है एक्स और बी से छोटा है तो ये आप समझोगे दिस इज द नोटेशन ऑफ क्लोज ब्रैकेट दिस इज द नोटेशन ऑफ क्लोज ब्रैकेट जो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंट uh, करता अगर एक सा लिखा हुआ है तो और ये भी नोटेशन जो है क्लोज ब्रैकेट का है इक्वल टू के साथ होगा ये और ये ओपन ब्रैकेट का है या इसी को ऐसे भी लिखा है तो ओपन ब्रैकेट का दो नोटेशन है या तो आप स्मॉल ब्रैकेट दो या फिर ओपन ब्रैकेट उल्टा साइड में दो याद रखिएगा जो क्लोज ब्रैकेट है उसका रोटेशन है तो उसका नोटेशन है स्क्वायर ब्रैकेट अंदर की तरफ उसका माउथ होना चाहिए जो माउथ है जैसे कि हम बोल रहे हैं माथ को मतलब यह हुआ कि ये अंदर की तरफ होना चाहिए अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो और बाहर की तरफ माउथ रख देते हो तो इसको आप ओपन ब्रैकेट कहोगे जो ये नोटेशन आप दिख रहा है आपके पास ये भी जो है ओपन ब्रैकेट का ही नोटेशन है तो ओपन ब्रैकेट का मतलब सीधा यह होता है कि इक्वालिटी होल्ड वहां पर नहीं करेगा जबकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि इक्वालिटी भी होल्ड करेगा तो आप आसानी से देख सकते हो इस पार्टिकुलर फंक्शन का जो डोमेन होगा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक कुछ भी होगा कोई भी नंबर अगर हम रियल नंबर एक्सिस पे लिखेंगे और उसका हम कोई वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू हमेशा रियल really ही आएगा कभी भी वो इमेजनरी नहीं आ पाएगा और इसलिए सारा का सारा जो रियल नंबर होगा वो इसका डोमेन होगा इस पार्टिकुलर फंक्शन का बात करते हैं हम एक और एग्जाम्पल का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो जो हमने पिछले एग्जाम्पल में डिफिनी टू वन बाई टू एक्स प्लस थ्री मान ली ये ले लिया आपने और इसका रेंज पूछा जाए तो गौर कीजिएगा सॉरी डोमेन पूछा जाए तो आप समझ सकते हो कि y बिकम्स अनडिफाइंड y जो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा इफ 2x एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू मतलब अगर आप x को माइनस थ्री बाई टू रख दो यहां पे तो 2x एक्स प्लस थ्री जीरो y इनफिनिटी हो गया और y इन्फिनिटी नहीं रखना है आपको याद रखना है हमेशा कि जो भी वैल्यू आपको रखना है एक्स का उसके लिए वाई जो डिफाइंड हो रियल नंबर हो वाई जो डिफाइंड हो और रियल नंबर हो तो इसलिए यहां पर जो डोमेन होगा यहां पर डोमेन जो होगा वो एक्स बिलोंग टू आर लेकिन आप इसको माइनस थ्री बाई टू को हटा करके लिखोगे यार मतलब सारा रियल नंबर इसका डोमेन होगा लेकिन माइनस थ्री बाई टू नहीं होगा अगर आपने माइनस थ्री बाई टू करा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा और इसके लिए आ, आप डोमेन को डोमेन में से मतलब रियल नंबर में से माइनस थ्री बाई टू को हटाना होगा मतलब माइनस थ्री बाई टू इज नॉट रियल पार्ट ऑफ नॉट पार्ट ऑफ डोमेन मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री बाई टू ऑपन ब्रैकेट एंड देन यूनियन यूनियन मीन्स यूनियन मीन्स दोनों मिलाकर के होगा माइनस थ्री बाई टू टू इन्फिनिटी तो ये जो है आपके पास टर्म्स है ये आप समझ सकते हो डोमेन का मतलब क्या है डोमेन वैसे वैल्यूज uh, होते हैं एक्स का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जिसके लिए Y जो रियल हो और डिफाइंड हो याद रखिएगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो रियल वैल्यूज हो और डिफाइंड हो यहां पे रियल वैल्यूज एंड डिफाइंड भी लिख सकते हो आप मतलब इंफिनिटी माइनस आप आपको अलाउड नहीं है यहां पे ये यह बात ध्यान रखना है आपको दिस इज द डिफिनिशन ऑफ डोमेन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेंज रेंज क्या होता है तो रेंज का मतलब सिंपल है रेंज का मतलब होता है जो भी आपने डोमेन किसी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफाइन किया उन सभी डोमेन के लिए जो डिपेंडेंट वैल्यूज डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यूज होगा वो क्या होगा रेंज इज बेसिकली रेंज इज बेसिक रेंज रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑबटेन्ड बाई Putting the values of independent variable uh, from of domain मतलब domain जो आपने लिखा domain जो आपने किसी function के लिए define किया उसमें से x का वैल्यू जो भी रखा डोमेन में से तो y का क्या क्या वैल्यूज आएगा दैट इज कॉल्ड रेंज तो रेंज को हम लोग डिफाइन करते हैं ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है सिंपली वाई ऑल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल मींस वाई फॉर विच विच आर ऑब्टेन्ड, फॉर विच नहीं विच आर ऑब्टेन्ड, विच आर ऑब्टेन्ड, बाई कीपिंग बाई कीपिंग द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स फ्रॉम डोमेन डोमेन में से जितना भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यूज होगा उसको अगर हम रख दें तो उससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी वैल्यूज है डोमेन में से हम रख दें तो वाई का क्या क्या वैल्यू आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या क्या वैल्यू आएगा मतलब साफ है कि एक्स का जो भी वैल्यूज है आपके पास उसके लिए वाई का क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होगा वाई क्या क्या आएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप वाईज इक्वल टू रखते हो टू एक्स प्लस फाइव तो आपके पास डोमेन यहां पे आपको पता है कि माइनस इन्फिटी से x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी याद रखना ओपन ब्रैकेट होना है रेंज क्या होगा तो आप समझ सकते हो कि हर वैल्यू होगा आप एक्स अगर कुछ भी रखोगे नेगेटिव रखोगे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव आएगा अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए वाई जो होगा पूरा का पूरा रियल uh, नंबर का सेट आ जाएगा मतलब माइनस इन्फिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ आएगा सेकेंड एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे थे वाई इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस थ्री जिसमें आपको बताया गया था कि डोमेन यहां पर ये नहीं हो सकता है मतलब x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जिसमें से कि माइनस थ्री बाई टू नहीं हो सकता है जबकि रेंज की अगर हम बात करें रेंज की बात करें तो y बिलोंग टू y बिलोंग टू माइनस uh, इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब आपके पास निगेटिव सारा वैल्यू संभव है पॉजिटिव सारा वैल्यू संभव है अब देख सकते हो X का अलग अलग मान के लिए वाई का सारा वैल्यू पॉसिबल हो जाएगा यहां पर और इसलिए जो रेंज होगा यहां पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब होगा अगर आप इसी तरह से लेते हो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स तो आप समझ सकते हो कि डोमेन जो है एक्स के हर वैल्यू के लिए ये डिफाइन होता है एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लेकिन रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज यहां पर एक्स का कुछ भी वैल्यू रख दो जो रेंज होगा वो माइनस वन से लेकर के प्लस वन ही होगा इन क्लोज ब्रैकेट ऑब्वियसली मतलब साइन का वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही होगा कभी भी वन से ज्यादा या माइनस वन से कम संभव नहीं है तो ये जो है रेंज और डोमेन का डि, डिफिनीशन है रेंज और डोमेन का टर्म्स है फंक्शन क्या होता है डोमेन क्या होता है और रेंज उसका क्या होता है ये हमने पढ़ा ये इसलिए आपको पढ़ाया गया है ताकि आप जो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एलजेब्रिक फंक्शन है उसको आप आसानी से समझ सको हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी ले रहे हैं जिसकी मदद से आप समझ पाओगे कि कैसे डोमेन और रेंज को फाइंड आउट भी करना है वैसे तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिया लेकिन मान लो आपको कहा जाए फाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इन सभी फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज निकालना है तो चार सवाल दे रहे हैं हम फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये सेकेंड वन हम आपको दे रहे हैं वाई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर थर्ड वन हम दे रहे हैं वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू आपके पास है अंडर उज इक्वल टू मॉड एक्स मैंने आपको यह सब रिलेशन दिया और आपको पूछा जा रहा है कि डोमेन और रेंज क्या है देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पे x का जो भी वैल्यू रखोगे y हमेशा रियल आएगा तो डोमेन यहां पर क्या है डोमेन यहां पर क्या होगा वन में हम लोग वन की बात कर रहे हैं x बिलोंग टू यहां पर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ही होना है रेंज की बात करें तो आप देख सकते हो कि y कुछ भी आप x का वैल्यू रखोगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगा मतलब जीरो से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा मतलब जीरो के बराबर हो सकता है वाई लेकिन इन्फिनिटी से कम देख लीजिए यहां पर क्लोज ब्रैकेट है तो इसलिए इक्वालिटी का भी साइन हुआ यहां ओपन ब्रैकेट है इसलिए इनवालिटी आया बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन का तो यहां पर डोमेन की बात करें तो आप देख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर है ये सिर्फ और सिर्फ y तभी रेंज हो सकता है जब x बराबर जीरो हो सिर्फ यही जो है इसका डोमेन है और रेंज भी सिर्फ यही होगा रेंज भी x टू जीरो ही होगा क्योंकि अगर डोमेन आपका जीरो है तो आप x का वैल्यू मात्र जीरो पुट कर सकते हो अगर x का वैल्यू मात्र जीरो पुट कर सकते हो तो y का वैल्यू भी आपका सिर्फ जीरो ही आएगा अगर हम बात करें यहां पर डोमेन का तो डोमेन यहां पर क्या होगा x का वैल्यू बिलोंग टू r होगा कुछ भी रखो x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी चूंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा और रेंज की बात करो तो रेंज यहां पर y बिलोंग टू जीरो टू तो इंफिनिटी अगेन यही चूंकि आपके पास ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है आपको पता होगा अंडर रूट एक्स अंडर रूट समथिंग पॉजिटिव को ही बोला जाता है अगर सिंपली इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब इसको बोला जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसको बोला जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट और अगर ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट है इसका मतलब आप समझ सकते हो आसानी से कि रेंज जो है वाई बिलोंग टू जीरो टू इंफिनिटी आपके पास हमेशा जो वैल्यूज होगा पॉजिटिव होगा अगेन यहां भी डोमेन जो होगा सेम होगा आप देख सकते हो डोमेन एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिटी टू प्लस इन्फिनिटी हर के लिए मॉडल डिफाइन है लेकिन वाई का जो बिलोंगिंग होगा वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ही होगा बिकॉज से कम ऑब्वियसली ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट संभव नहीं है तो ये हमने समझा आज के क्लास में कि फंक्शन क्या होता है फंक्शन का डोमेन क्या होगा और फंक्शन का रेंज क्या होगा